ESPN क्रिकिनफो फैंटास्टिक 11 पर हमारी नज़र होगी बिग बैश लीग के सेकंड मैच पे और वो है पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच। आपको शायद सब प्लेयर्स पे ज़्यादा जानकारी ना हो तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन होंगे आपके फैंटेसी पिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जहां तक हमारी पहली प्रो टिप का सवाल है तो वो यही होगा कि भाई सिडनी सिक्सर्स की जो टीम है ये ज़्यादा सेटल्ड टीम है इस नए सीज़न में। पर्थ स्कॉचर्स में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, कुछ इंजरीज भी है, इसलिए हम रेकमेंड यही करेंगे आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर सिडनी सिक्सर्स की टीम से ही पिक करें। तो शुरुआत हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ करेंगे जो सिडनी सिक्सर्स से ही होंगे। जिस तरह मैंने कहा आपको ज़्यादा दाव उन पर लगानी चाहिए, तो मोसेस हेनरिक्स जो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, आईपीएल में भी खेल चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आईपीएल जीत भी चुके हैं। तो जहाँ तक बैट्समैन का सवाल है, हेनरिक्स का जो रिसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा ही है, तो आप इनको कैप्टन बनाए यही हमारी रिकमेंडेशन होगी। हालांकि वार्म अप गेम भी उन्होंने एक अच्छा स्कोर लगाया था, तो मोसेस हेनरिक्स जो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलने वाले हैं, हम आपको रेकमेंड करें कि आप हेनरिक्स को कैप्टन बनाएं। साथ ही हमारा जो वाइस कैप्टन रेकमेंडेशन होगा वो होगा जेम्स विंस, जो इंग्लैंड के बल्लेबाज है और ओवरसीज प्लेयर के तौर पर खेलेंगे सिडनी सिक्सर्स के लिए। हाल ही में खेले गए एमजांजी सुपर लीग साउथ अफ्रीका के टी20 लीग में उन्होंने बहुत ही कमाल की शुरुआत की थी, लेकिन फिर थोड़ा फॉर्म उनका थोड़ा ऑफ चला गया, लेकिन फिर भी जेम्स विंस को हम ज़्यादा रेकमेंड करेंगे। तो भाई हेनरिक्स और जेम्स विंस हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन रेकमेंडेशंस है। लेकिन जहाँ तक टॉप पिक्स का सवाल है, जिस तरह मैंने आपसे कहा, क्योंकि हमारा प्रो टिप वन यही कहता है कि सिडनी सिक्सर्स ज़्यादा सेटल साइड है, तो हम वही शॉर्ट शॉर्ट बैंकेबल प्लेयर्स को ही लेंगे पर्थ स्कॉचर्स से, ज़्यादा प्लेयर्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो उनमें कैमरन बैंक्रॉफ्ट शामिल होंगे जो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से बैट्समैन है, और इस बार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा बैंक्रॉफ्ट को उनकी बैटिंग और पर्थ स्कॉचर्स की बैटिंग के लिए, और अनुभवी खिलाड़ी है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। एस्टन टर्नर भी इंडियन फैंस को याद होगा कि कमाल की पारी खेली थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए मोहाली में, जब एक बड़ी चेस को ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जीत दिलाई थी। और साथ ही जायर रिचर्डसन, जो फिर से इंडियन फैंस को याद होगा कि काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, और जब एंड्रू टाई इंजर्ड है तो जायर रिचर्डसन को अहम भूमिका निभानी होगी, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें ऑलराउंडर भी माना जाता है जाय रिचर्डसन को, तो थोड़ी बहुत रन भी बना लेंगे आपके लिए। तो ये थे हमारे टॉप पिक्स, कैमरन बैंक्रॉफ्ट, जाय रिचर्डसन और एस्टन टर्नर, और आपको बैलेंस मेंटेन करना ही है, आप हर प्लेयर को सिडनी सिक्सर्स की तरफ से नहीं ले सकते। तो ये तीन पर्थ स्कॉचर्स है, और जो चौथा प्लेयर होगा वो है क्रिस जॉर्डन, जो हमारे वैल्यू पिक्स में भी शामिल है, क्योंकि अच्छे प्राइस में मिलते हैं आपको क्रिस जॉर्डन। ये डेथ बॉलिंग एक्सपर्ट तो है ही और इंग्लैंड के लिए अनुभवी बॉलर भी है, और साथ ही हाल ही में वो कई जगह जाकर अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं, तो अबू धाबी टी10 में कमाल का बॉलिंग किया इन्होंने, तो ये काफ़ी इम्प्रूव्ड बॉलर है। कुछ आरसीबी फैंस याद रखेंगे कि उन्होंने काफ़ी रन दिए थे जब आरसीबी की तरफ से एक आध सीज़न खेला, लेकिन वो बहुत डिफरेंट सीज़न था, तो आप क्रिस जॉर्डन पे इस बार आप डिपेंड कर सकते हैं। और साथ ही हमारे दूसरे वैल्यू पिक होंगे डैनियल ह्यूज़, ये जो है फैंटेसी क्रिकेट में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, आक्रमी बल्लेबाज है और सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हैं और रेगुलरली रन बनाते हैं, तो डैनियल ह्यूज़ को हम रेकमेंड करेंगे एक वैल्यू पिक की तरफ से अगर आप सिलेक्ट करना चाहे तो। और साथ ही हमारे दूसरे प्रो टिप की तरफ चलते हैं, और ये यही है कि कभी कभार हमें लगता है कि एक स्पिनर्स को हम ज़्यादा खिला ले बिग बैश में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को शायद स्पिन से थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन फैक्ट्स यही कहते हैं कि भले ही स्पिनर्स का जो इकोनॉमी रेट है वो पेसर्स से अच्छा हो, लेकिन पेसर्स जो है ज़्यादा विकेट निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेसर्स ही खेलते हैं बिग बैश लीग में भी, तो आप अपनी टीम में ज़्यादा पेसर्स को ही शामिल करें, यही हमारी रिकमेंडेशन है। और अगर हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी देखें तो 143 के आसपास है, तो बॉलर्स आप एक तरह से कह सकते हैं कि गेम में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर जहाँ तक बॉलर्स का सवाल है, हमने पिक किया है टॉम करन, जो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से होंगे, ऑलराउंड ऑप्शन भी है और डेथ में अच्छी स्लो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वे चेंज ऑफ पेस भी कर सकते हैं। जाय रिचर्डसन और क्रिस जॉर्डन, जिस तरह मैंने कहा, पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से आपके पेसर्स, और शॉन एबिट भी जो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से पेस बॉलर है, उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस टीम में। तो करन, जॉर्डन, रिचर्डसन, एबिट, आपकी अच्छी एक पेस बॉलिंग डिपेंडेंसी हो जाती है इस टीम में। और जहाँ तक स्पिनर का सवाल है, हम स्टीव ओकीप को रेकमेंड करेंगे सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। इंडियन फैंस को फिर से याद होगा कि पुणे टेस्ट में उन्होंने कमाल की बॉलिंग की थी कुछ साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट जीता था, लेकिन स्टीव ओकीप को हम इकलौते स्पिनर के रूप में इस टीम में शामिल करेंगे। जहाँ तक विकेटकीपर का सवाल है, तो 22 वर्ष के युवा खिलाड़ी है जॉश फिलिप, तो उनको हम रेकमेंड करेंगे जो सिडनी सिक्सर्स के लिए विकेटकीपर होंगे इस बिग बैश लीग में।
तो एक बार फिर नजर डालते हैं हमारी 11 पर, हमारी फैंटास्टिक 11 इस दूसरे मैच के लिए बिग बैश लीग में। और जिस तरह मैंने कहा, डैनियल ह्यूज रिलायबल ओपनिंग बैट्समैन फॉर सिडनी सिक्सर्स, जेम्स विंस और मोसेस हेंड्रिक्स जो आपके वाइस कैप्टन और कैप्टन हो सकते हैं, एश्टन टर्नर, कैमरन बैंकक्रॉफ्ट, जॉश फिलिप, टॉम करन, स्टीव ओकीफ, क्रिस जॉर्डन, जाय रिचर्डसन एंड शॉन एबिट। तो भाई ये थी हमारी ESPN क्रिकिनफो की फैंटास्टिक 11 जो आपको फैंटेसी पिक्स आपकी टीम पिक करने में थोड़ी सी मदद शायद कर दे। लेकिन याद रखिए, टॉस के बाद एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए कि कौन से प्लेयर्स फाइनल 11 में होंगे, प्लेइंग 11 में होंगे, और उसके हिसाब से ही अपनी फाइनल टीम आप तय करें। सारी कवरेज तो हमारे पास होगी ESPNcricinfo.com पर, और अगले मैच के पहले मैं फिर शामिल रहूँगा एक वीडियो के साथ ESPN क्रिकिनफो फैंटास्टिक 11 पर।